कोविडच्या अनुषंगाने लोक आता विसरून गेले होते आणि त्यामुळे आता परत पेशंटची संख्या आपल्याला माहितच आहे की वाढत आहे, तर पुढे जास्त प्रमाणात संख्या वाढू नये म्हणून लोकांनी काळजी घेणं आवश्यक आहे। याच्यासाठी आज आम्ही तीनही विभागांचे पथक घेऊन फिरत होतो पूर्ण नांदेडमध्ये। तर आम्ही आवाहन करतो आहेत लोकांना सगळ्यांना की त्रिसूत्री आहे त्यामध्ये मास्कचा वापर, सॅनिटायझरचा वापर आणि त्याचबरोबर सोशल डिस्टन्सिंग आपण पाळावं, पहिल्यासारखंच पाळावं, जेणेकरून कोविडचा वाढ होणार नाही आहे। आणि त्याचबरोबर मुद्दामहून आज माननीय उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काही कोचिंग क्लासेस, काही मंगल कार्यालय या ठिकाणी भेटी देऊन त्या ठिकाणी आवश्यक ते काळजी घेत आहेत किंवा नाही याची पाहणी केली, तसंच त्यांनीसुद्धा काय काळजी घ्यायची आहे याबद्दलचं मार्गदर्शन केलं आहे आणि ही मोहीम आता अशीच चालू राहणार आहे। जास्तीत जास्त 100 जास्त लोक कुठल्याही लग्न समारंभाला किंवा कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमाला जमणार नाहीत याची काळजी आयोजकांनी घ्यायची आहे आणि त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझरचा वापर, मास्कचा वापर बंधनकारक असेल आणि या उपर कोणी हे निर्बंध पाळले नाहीत तर संबंधिताविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, वेळ पडली तर गुन्हे देखील दाखल करण्यात येतील। आज महापालिका, पुलिस और रेवेन्यू प्रशासन तीनों मिलकर कार्रवाई हुई है और 1.5 लाख का दंड नागरिकों के तरफ से वसूल किया गया है। जो नागरिक मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो उल्लंघन कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की गई है। महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू प्रशासन सब प्रशासन की तरफ से मैं सब लोगों को आह्वान करूंगा कि वो मास्क का वापर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। आज प्रशासन की ओर से मंगल कार्यालय, कोई कोचिंग क्लासेस की वगैरह भी तपासनी की गई है, उसमें जो भी उनको निर्देश देना था हमने दिया है। इसके आगे अगर जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और 5,000 से 10,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद अगर कोई मिलता है तो उसको कंपलसरी पुलिस केस करने का हमारे को निर्देश है। इसलिए मैं सब नागरिकों को आह्वान करता हूं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का वापर करके कोरोना का जो प्रसार सेकेंड फेज का जो चल रहा है उसमें उसके रोकथाम के लिए प्रशासन की मदद करें। सर, धार्मिक प्रोग्राम हो या फिर शादियों का सीजन, तो शादियाँ हो तो कितने लोगों की लिमिट है, अगर लिमिट क्रॉस होती है तो क्या उनके निर्देश है, क्या कार्रवाई करें? 100 लोगों की लिमिट पहले से तय करके दी गई है और इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो फिर हम उस पर कंपल्सरीली कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की ओर से बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाए जा रहे हैं।